कृषि विधेयक बिल पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रमित प्रचार प्रसार को रोकने और सही जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज सोमवार को लॉयन डेन पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मंत्री कैलाश चावला, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र भटनागर, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार आदि उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि किसान बिल का विरोध करते हुए विपक्षों द्वारा कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जबकि किसान विधेयक बिल किसानों के हित में बनाया गया है। इस बिल के आने के बाद किसान अपनी उपज मंडी के अलावा कहीं भी आसानी से बेच सकेंगे। इस बिल से किसान फसल आने के पहले ही व्यापारी से एग्रीमेंट कर सकेगा। बिल आने के बाद सरकारी मंडी में ही किसान का माल खरीदेगी। विपक्ष का आरोप है कि इसके कारण मंडियां बंद हो जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, इस बिल से प्रदेश की मंडियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ये राजनीतिक पार्टियों की ड्यूटी है कि वो जनता के भले के लिए कोई भी कदम उठा रही है तो उस बात को जनता तक पहुंचाए, क्योंकि हम जनता से अगर वोट लेते हैं कोई वादा कर, हमने उस वादे को पूरा किया है, ये बात उस तक पहुंचाने का दायित्व भी हमारा है। और हम खुशकिस्मत हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन इस काम में लगातार लगा रहता है। हमारी सरकारें जो काम करती है, हमारा संगठन नीचे तक उस बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता है, और उसी क्रम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की। कारण यही था कि देश में जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस भ्रम से जनता को दूर करना है। और कांग्रेस एक निर्लज्जतापूर्वक आंदोलन कर रही है या गलत फैला रही है, इस बात को जनता तक पहुँचाना। देखिए, इससे किसान को फसल बोने से पहले उसको क्या मूल्य मिल सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अध्ययन से प्राप्त होगा। उस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, उस क्षेत्र में कृषि पर आधारित इंडस्ट्री आएगी, उस क्षेत्र में वेयर हाउसिंग की व्यवस्था बढ़ेगी, उस क्षेत्र में नई तकनीकें आएगी, नए बीज आएंगे, अच्छा गुणवत्तापूर्वक उत्पादन और ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जाए इस बारे में उसको सुविधा प्राप्त होगी। मिनी मंडी नहीं, वो तो मंडी जैसा ही काम होगा। हाँ। उनको लाइसेंस होगा, वहाँ व्यापारी हमारे सारे उन्हीं के होंगे ना, पर उस किसान के सामने तोल होगा, इस तरीके से ढोला नहीं जाएगा, बोरी में भरा हो तोला जाएगा। कुछ होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? यस, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, रेट के बारे में कोई डिस्प्यूट होता है, तो एक सुलभ बोर्ड की कल्पना उसमें की गई है, जिसका अध्यक्ष SDO द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी होगा, और उसमें चार सदस्य होंगे, चार सदस्य, दो सदस्य खरीदी वाले पक्ष के, दो बेचने वाले पक्ष के, वो बैठकर उस समस्या को सुलझाएंगे। अगर वो समस्या 30 दिन में नहीं सुलझती है तो फिर SDO निर्णय करेगा। SDO के निर्णय से कोई पार्टी असंतुष्ट है तो कलेक्टर को अपील कर। मंडी एक्ट जब से बना है उसमें दोष काफ़ी हैं, और उसकी विसंगतियों को किसान को भुगतना पड़ रहा है, उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।